हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना सिंह। तो आप लोग कैसे हैं? आइए, तो अभी भी बहुत अच्छे हूँ। आप लोगों को जीती पर खूब सारी शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही अपने अपने घर में खुशहाल से रहें। मैं भी आ रही हूँ किचन में, उन थोड़ा लड्डू को लाने गई थी, उसके बाद आइए थोड़ा सा रेस्ट करने लगी। तो थोड़ा बर्तन है वो करूँगी और लड्डू को सॉरी लंच कराऊंगी। तो देखिए मेरा किचन फैला हुआ है पूरा अच्छी तरह से। चलिए, और कौन कौन आप लोग जुतिया आज किए हैं और कौन कौन कल कर रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। धोने जा रही हूँ, तो चलिए बर्तन धो लेते हैं पहले, फिर लड्डू को खाना खिलाते हैं। उनको खाना खिला के सुन रोच रही हूँ, थोड़ा सा सुला दूँ उनको। सुला देने से थोड़ा मुझे रेस्ट मिलेगा, नहीं तो प्यास लग जाएगा, और इसलिए सोच रही हूँ उनको सुला दूँ। तो मुझे भी नींद आ रही है, तो मैं मेहंदी भी नहीं लगाई, अभी देख सकते हैं आप लोग। तो मैं सोच रही हूँ उनको सुला के उनके पास ही थोड़ा सा लगाऊंगी। और बहुत ही कठिन पर्व है जैसे कि आप लोगों को सबको पता है। तो चलिए बर्तन धो लेते हैं, लड्डू को खाना वाना खिला लेते हैं। अभी दोपहर हो गया, 1 बज गया है, तो लंच टाइम हो गया, हस्बैंड भी ऑफिस चल गए हैं, सब कुछ हो गया, बस ये बर्तन धोना है, थोड़ा सा काम बाकी है वो करके। वॉशिंग मशीन भी लगा दी हूँ, वॉशिंग मशीन अभी चल रहा है। चलिए थोड़ा सा काम करने के बाद मिलते हैं। तो सारा काम ख़त्म करके और लड्डू को मेहंदी पता नहीं कहाँ रख दिया, और ये देखिए उल्टा देख रहा होगा आप लोगों को। तो ये लिखे हैं प्यारा बेटा, और इधर पीछे भी चढ़ा रहा हूँ। तो मैं सोची कि खुद से ही चढ़ाने सीखती हूँ धीरे धीरे। तो ये देखिए, ये पीछे का फिंगर पे भी करना है, और ये कर रही हूँ अभी ये वाला। तो लड्डू को खिला के फिर कैफे पे जाके आई, फिर उसके बाद मेहंदी का काम कार्यक्रम शुरू की मैं। तो कैसा है आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। जैसे मुझे थोड़ा बहुत भी समझ में, बाहर जाने का टाइम नहीं था, तो चलो सोचे कि चलो खुद से ही थोड़ा बहुत सीखा जाए। तो ये ऐसे कुछ न चढ़ाए, इधर जगह नहीं है तो और थोड़ा थोड़ा बनाती इसको, तो थोड़ा और अच्छा दिखता। ये मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं इसको निकालूंगी। तो मैं इधर अभी कुछ नहीं, इधर स्पेस नहीं है इधर, तो मैं सोच रही हूँ कुछ ना करूँ। जैसे इधर आगे की हूँ वैसे मैं पीछे भी कर लेती हूँ, तो दिखाती हूँ आपको। तो जैसे मैं आगे की थी वैसे ही पीछे भी कर ली हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। तो बाकी आप लोग कमेंट करिएगा कि मेरा मेहंदी जूते का मेहंदी कैसा है। और ये उल्टा देख रहा है, मैं बेटा लिखी हूँ, देखिए अभी भी उल्टा ही दिख रहा है। इधर लड्डू सो रहे हैं, इनको भी थोड़ा खांसी वासी हो रही है, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। मैं थोड़ा सा इधर फिंगर पे भी कर लेती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को।
तो ये देखिए मेरा मंदिर लगा, मैं पीछे कुछ खास नहीं किया, बस ऐसा ही सिंपल सा कर दी हूँ और आइए ऐसा है। चलिए आप लोग बताइए कैसा मेरा मंदिर लगा है। अपने बेटे का नाम लिखूँगी यहाँ, मैं सोची बीच में देखिए मैं लिख दिया रहा। अब इस पर मैं ऐसे बस गोल करूँगा, कोई हैद नहीं तो चलिए इस पर नहीं लगा सकती हूँ, तो आगे बस गोल कर कर कैप कर लूँगी और शाम के पूजा तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। और इसी बीच साठ साल आ गया है, ये देखिए तो मैंने ऑर्डर किया मेरा कुर्ती सारा मैंने वही देखा मेरे बेटे ने पूछ दिया, कोई नहीं बस मुझे तो अच्छा लग रहा है। फोर थर्टी हो गया, नहाना भी है, सोच रही हूँ कि नहा के इसी को पहन तो नया नया आया है, इस कलर का है, कुछ अच्छा लग रहा है मुझे तो। और ये इसका पैंट है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था शायद, कुछ पता नहीं मेरे हस्बैंड किए थे, मैं तो नहीं की थी सॉरी। तो चलिए देखते हैं इस नंबर में शाम के पूजा का आएगा और फिर तो मैं रेडी होंगी, कहाँ तक आता है उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो। ठीक है तो मैं थोड़ा सा इस पर भी मेहंदी लगा लेती हूँ और आप लोग बताइए कैसा है मेहंदी। मैं खुद से लगाई, मुझे तो लग रहा है कि अच्छा ही लगा ली हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर। तो फाइनली मेरा मेहंदी लग गया है और ये तो आप लोग को दिखाई थी, मैं इस पर कोई है नहीं करने तो ऐसे ही गोल रख ली हूँ। चलो मेहंदी का नाम ख़त्म, मुझे तब तक बताइए कैसा लग रहा है। ये थोड़ा फैल गया है बट ड्रेड होगा तो अच्छा लगेगा। और पीछे से तो चलिए नहा धो लेते हैं, थोड़ा ये ड्राई हो जाए उसके बाद फिर नहा धो के मिलते हैं।